सो हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू अभिमन यू आई ए एस माई नेम इज़ रिश योर फैकल्टी ऑफ इंग्लिश आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन सो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ वोकेबलरी के कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स थ्रू रूट वर्ड्स ओके आई होप कि आप जो भी इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो बच्चे एंड जो भी एक्सपीरियंट्स हैं जो भी स्टूडेंट्स हैं ठीक है आई uh, होप कि आपको इस चीज़ का आइडिया लग गया होगा दैट थ्रू प्रीवियस प्रीवियसर क्वेश्चन के एनालिसिस के थ्रू कि अल्टीमेटली कॉम्पिटेशन में आपको वो कैबलरी के वर्ड्स पूछे जाएंगे ठीक है हो सकता है इस बार आपको डायरेक्टली भी वो कैबलरी के कुछ वर्ड्स मिल जाएँ क्योंकि लाइक सिविल सर्विसेज का एक एजेंडा एक हमेशा फंडा रहा है कि थोड़ी सी अनसर्टेनिटी बना के रखते हैं एग्ज़ाम्स में ओके okay? उनको उस चीज़ को मैंटेन करना होता है दैट लेवल दैट कंपटीशन को उस लेवल तक रखना होता है सो दैट इज वाई ये जो एक अनसर्टेनिटी होती है तो इसमें सिर्फ वही बच्चा अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा जो थोड़ा सा एनालिसिस करके चीजों को थोड़ा सा प्रेडिक्ट करेगा कि इस माइंड के साथ में एग्जाम को सेट करा जा सकता है ठीक है और मुझे लग रहा है इस बार इंग्लिश में कुछ चेंजेस होंगे लास्ट टाइम तो एट क्वेश्चन थे ठीक है बट वर्ड आई हैव फिर से एक बार आपको बता देता हूँ कि जो आपका 2021 का जो पेपर था 2021 के पेपर में अराउंड 24 टू 25 इफ आई एम नॉट रॉन्ग 24 टू 25 क्वेश्चंस वर देयर ठीक है और uh, 24 एक मिनट इसको भी मैं रेक्टिफाई कर देता हूँ वैसे जस्ट अ मोमेंट 24 भी गया इसमें अराउंड 25 टू 26 क्वेश्चंस वर देयर ठीक है ना और uh, उसके बाद अगर बात करूं 2022 की तो 2022 में आपके अराउंड सिक्सटीन क्वेश्चन ठीक है और 2023 की बात करूं तो 2023 में सिर्फ आपके आठ क्वेश्चन थे तो आप देख रहे हो कि लेवल हमेशा क्वेश्चन का इंग्लिश का कम होता गया है हो सकता है इस बार आपको थोड़ा सा कुछ वेरिएशन देखने को मिले हो सकता है कि एट क्वेश्चन की जगह आपको अराउंड टेन टू फिफ्टीन क्वेश्चन मिल जाए कॉम्प्रीहन भी मिल सकता है कॉम्प्रीहेंशन तो आएगा हो सकता है वोबलरी के डायरेक्ट कुछ वर्ड्स आ जाए यू डोंट नो इवन है ना एक प्रशन हम लगा सकते हैं तो एनालिसिस का कि यही हमारा एनालिस होता है अब उसी को थोड़ा सा एनालाइज करते हुए मैंने जहां तक मुझे लग रहा है क्योंकि हुआ क्या है आपके एग्जाम में कॉम्प्रीहेंशन में ठीक है कॉम्प्रीहेंशन में आपसे इनडायरेक्टली वर्ड्स पूछे गए हैं लास्ट हमने पार्ट करा था जिसमें कि आप देख सकते हो कि शन तो था नाम का बट उसमें अल्टीमेटली आपसे पूछा क्या गया था अल्टीमेटली आपसे सिनोनिम्स पूछे गए थे ठीक है ना तो अगर आपका वर्ड पावर अच्छा होगा तो वो आपको किसी ना किसी तरीके से हेल्प करेगा ही करेगा और ये फ्री के नंबर है ठीक है तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा ये आज का सेशन विदाउट एनी फर्दर डिले ठीक है ये एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन थी जो मुझे आपको देनी थी अब इससे आपको एनालाइज करके ही अपने स्टेप को आगे रखना है ठीक है चलिए फिर सो so, अभ्यास 2.0 पॉइंट ओ हेज बिन लॉन्च ठीक है जो भी इसमें इंटरेस्टेड है यू कैन गो फॉर द कोर्स फुल कोर्स ठीक है बाकी फर्दर इंफॉर्मेशन में आपको एंड ऑफ द लेक्चर में डिस्कस करूंगा ओके चलिए फिर अब रूट वर्ड्स का पर्पज क्या होता है करवाने को मैं आपको एमसीक्यू की फॉर्म में भी करवा सकता था बट उसमें होता क्या है कि एमसीक्यूज भी करेंगे ऐसी बात नहीं कि एमसीक्यूज नहीं करेंगे बट रूट वर्ड्स काफी ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं मतलब एक तो लिमिटेड टाइम में आप ठीक है लिमिटेड टाइम में यू कैन कवर अ ऑफ़ वर्ड्स ठीक है लिमिटेड टाइम मैक्सिमम वर्ड्स ओके तो ये आपका एजेंडा हो जाता है रूट वर्ड्स के थ्रू और एक जो सेम सेम जो वर्ड्स होंगे वो आपको एक जगह पे मिल जाएंगे ये नजर इसका एक बेनिफिट हो गया अब मैंने क्या करा है कि जैसे ही आपको मैं ये रूट वर्ड्स पढ़ाऊंगा इसी से रिलेटेड जैसे फॉर एग्जाम्पल ल्यूसिड हो गया या पेल्यूसिड हो गया या एलयूसी हो गया ठीक है इनको मैं आपको जो भी इनके सिनोनिम्स होंगे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एल्यूसी के तो मैं सारे के सारे आपको उसके सिनोनिम्स जो इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड होंगे और उसके इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स दैट आई विल बी प्रोवाइडिंग इन द पर्टिकुलर लेक्चर ऑल्सो ओके तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको अब एल सी ल्यूस ठीक है इसका जो मीनिंग होता है इसका मतलब होता है लाइट लाइट हो गया ब्राइट हो गया या क्लियर हो गया क्लैरिटी की सेंस में भी इसको हम पढ़ते हैं ठीक है तो जहां पर भी ये वर्ड अटैच हो जाएगा उसका मीनिंग जाएगा ब्राइटनेस की सेंस में क्लैरिटी हो गया लाइट हो गया ओके okay. अब देखते कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिससे कि हम इसको समझ सकते हैं और अच्छे से ल्यूसिड अब इसमें एक चीज देखो आप एल यू सी वर्ड आ गया ना एल यू सी वर्ड आ गया इसमें ल्यूसिड में तो इसका मतलब तो आपको पता है अब ये हेल्प कैसे करेगा सपोज कोई वर्ड आपको ऐसा आ गया जिसमें कि आपको मीनिंग नहीं पता उसका आपको इतना जरूर पता कि एल यू सी का मतलब होता है लाइट तो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो कि लाइट की सेंस में कुछ मीनिंग जाएगा ठीक है ना तो ल्यूसिड का मतलब होता है क्लियर एकदम ल्यूसिड एकदम क्लियर है ना एकदम क्लैरिटी के साथ में पेल्यूसिड ठीक है जैसे ल्यूसिड हो गया क्लियर और ल्यूसिडिटी हो गया क्लैरिटी ओके ल्यूसिडिटी हमारा हो जाएगा क्लैरिटी एक मिनट ल्यूसिडिटी हमारा हो जाएगा क्लैरिटी ओके नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है दैट इज पेल्यूसिड नेक्स्ट वर्ड इज पेल्यूसिड एडजेक्टिव है इसका भी मीनिंग होता है क्लियर इसमें भी आप एक चीज देखोगे तो इसका भी मतलब क्लियर थर्ड वन इज एल है ना तो इसका भी मीनिंग कुछ ना कुछ तो हमें आइडिया लग गया कि क्लैरिटी की सेंस में कुछ ब्राइटनेस की सेंस में लाइट की सेंस में जाएगा अब इसका मतलब होता है टू एक्सप्रेस समथिंग वेरी क्लियरली एलयूसी डेट ठीक है इसका मतलब होता है टू एक्सप्रेस समथिंग वेरी क्लियरली जैसे मैं आपको कुछ बोल रहा हूं तो अगर मैं आपको क्लियरली एक्सप्रेस कर पा रहा हूं दैट मीन्स दैट द वे दैट आई एम एक्सप्लेनिंग द थिंग्स दैट इज वेरी एल्यूसीडेट इट मीन्स दैट इज वेरी क्लियर दैट इज वेरी क्रिस्टल क्लियर ठीक है ना कोई अगर कम्युनिकेशन में कोई अच्छा है कोई अपने थॉट्स को वेरी क्लियरली वेरी एकदम टाइडी सेंस में है ना एकदम नीट एंड क्लीन एकदम कोई होच पोच नहीं है ना उसको बोलते हैं एल्यूसीडेट ठीक है, फिर आता है ल्यूसेंट ल्यूसेंट तो एक हमारी बुक भी आती है जीके की है ना तो कभी आपने ट्राई करा उसका ल्यूसेंट का, का? तो। का मतलब क्या होता है ब्राइट एंड शाइनिंग है ना एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको हर चीज वहां पर क्लियरली मिल जाती है, हर हर फिगर है ना इट मीनस ब्राइट एंड शाइनिंग एकदम क्लैरिटी के सेंस में भी है ना The next word is translucent. Translucent. Translucent जैसे हम पढ़ते हैं ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट ठीक है ना वैसे ही ट्रांसल्यूसेंट करके आए ट्रांसल्यूसेंट का मतलब क्या होता है अलोइंग लाइट टू पास थ्रू जिससे कि लाइट पास कर जाए बट फुल्ली नहीं पास करेगी Partially पास करेगी दैट इज called translucent. है ना ट्रांसपेरेंट तो वही है कि एकदम आर पार दिख जाता है बट ट्रांसल्यूसेंट जिसमें से लाइट पास हो जाती है नोट जितनी भी लाइट आएगी उतनी एग्जैक्टली exactly पास नहीं बट हाँ उसमें से लाइट पास हो जाती है okay, अब हम क्या करेंगे कुछ वर्ड्स करेंगे पेल्यूसिड हमने पेल्यूसिड का मीनिंग देखा ल्यूस वर्ड हमने पढ़ा इसमें ल्यूस का मतलब होता है क्लियर क्लियर हो गया लाइट हो गया है ना या फिर ब्राइट हो गया ओके okay. तो पेलिसिड सेम इसका भी मीनिंग जाएगा क्लियर अब कुछ सिनोनिम्स जैसे मैंने आपको बताया था कि जो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे इस एक लेक्चर से आपको बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स मिल जाएंगे इनको प्लीज पढ़ लीजिएगा पीडीएफ आपको मिल जाएगा थोड़ी देर के बाद में ओके okay. अब देखिए सिनोनिम्स देखिए एक तो क्लियर हो जाएगा ल्यूसिड में आ जाएगा लिंपिड लिंपिड एक काफी अच्छा वर्ड है लिंपिड का भी मतलब होता है क्लियर ठीक है ना लिंपिड का भी मतलब होता है क्लियर ओके नेक्स्ट इज एलोक्वेंट अब एलोक्वेंट एक और रूट वर्ड का ही पार्ट है ये भी आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूं एक होता है एलओ क्यू लोक इसका मतलब होता है टू टॉक इसका मतलब होता है टू टॉक ओके okay. जहां पर भी एलओ क्यू वर्ड लग जाएगा कुछ ना कुछ बोलने से रिलेटेड हमारा मीनिंग निकलेगा ओके विल बी मीनिंग रिलेटेड टू टॉक एलोक्वेंट का मतलब समझते हैं हैं इसको डी करते एलोक्वेंट देखो लोक वर्ड आ गया ठीक है अब एलोक्वेंट का मतलब होता है वन हु इज अ वेरी गुड स्पीकर और एक अच्छे स्पीकर की क्या पहचान है जिसको बोलने की कला हो मतलब कि वो अपने जो थॉट, अपने जो चीज़ें अपने जो व्यूज होंगे अपना परस्पेक्टिव ठीक है ही विल हैविंग दैट कैपेसिटी दैट एक्सपीरियंस जिससे कि वो अपने चीज़ें अपने थॉट्स, अपने आइडियाज एक वेरी नीट एंड क्लीन वेरी टाइडी वेरी एल्यूसीडेट मैनर में पब्लिक के सामने रखता है एक वही अच्छा वक्ता होता है जिसके पास बोलने की कला होती है ओके okay? काफ़ी एकदम किसी देख खुद सोच के देखो कोई आपके सामने समवन इज गिविंग स्पीच एंड दैट स्पीच इज गिविंग दैट इफेक्ट ऑन अ लॉट ऑफ पीपल सो व्हाट काइंड ऑफ स्पीकर दैट इज कैसा स्पीकर है जो एक स्पीच से ही लोगों को एक इन्फ्लुएंस कर दे रहा है ठीक है ना ओके okay, वर्ड्स की पावर तो वो तभी होगी इफ द स्पीकर हैज दैट एलोक्सी और इफ द स्पीकर इज एलोक्वेंट स्पीकर एंड ही इज हैविंग दैट एल्यूसीडेट मैनर टू गिव दैट स्पीच मतलब एकदम क्लियर कट आइडिया रहेगा हर चीज को एकदम बिल्कुल बेवाक एकदम क्लियर कट बोलेगा उसको बोलेंगे कई बच्चे समझते कि डिस्टिंक्ट मतलब अलग होगा है ना ये डिस्टिंग वो डिस्टिंकट ऐसा कुछ नहीं है डिस्टिंक्ट का मतलब होता है बहुत से बच्चे फ्यूजन के साथ इसको गलत कर देते हैं कि डिस्टिंग का मतलब होगा डिफरेंट बट ट्रस्ट मी इसका डिफरेंट के साथ में ठीक है इसको लिख ही देता हूं इसका डिफरेंट के साथ में कोई मतलब नहीं है डिस्टिंक्ट का मतलब होता है एकदम क्लियर क्रिस्टल क्लियर ओके फिर कॉन्सपीक्स कॉन्सपीक्वस का भी मतलब होता है एकदम क्रिस्टल क्लियर ठीक है एलोक्वेंट हो गया डिस्टिंट का मतलब क्लियर कॉन्स्पीक्वस का मतलब होता है क्रिस्टल क्लियर एम आई राइट परस्पीक्वस कॉन्स्पीक्वस हो गया परस्पीक्वस हो गया इन दोनों का मतलब होगा क्रिस्टल क्लियर पेल्यूसिड राइट ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट हो गया ठीक है एपेरेंट एपेरेंट का मतलब भी होता है एकदम क्लियर ठीक है ओबियस ओबियस तो आपको पता ही है कि इसका मतलब इट इज दैट ओबियस कि बहुत ज्यादा क्लियर है ये चीज तो है ना ओके okay? इंटेलिजिबल इंटेलिजिबल जिसको पढ़ा जा सके ठीक है जिसको समझा जा सके दैट इज ऑल्सो कम्स इन द कैटेगरी ऑफ पैलिव सीट मतलब दैट इज इफ सम इज क्लियर ओनली देन यू आर एबल टूनली देन यू आर एबल टू कॉम्प्रीहेंड दैट ओके यू आर एबल टू रीड दैट अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूट दैट इज नॉट इलेजिबल सो इसका मतलब वो क्लियर नहीं है चीज़ है ना इंटेलिजिबल का मतलब होगा इंटेलिजेंस से इसका मतलब नहीं है इसका मतलब होगा क्लियर कॉम्प्रीहसिबल जिसको पढ़ा जा सके जिसको समझा जा सके दैट मींस दैट इज क्लियर आर्टिकुलेट आर्टिकुलेट का मतलब होता है एकदम क्रिस्टल क्लियर ठीक है अन इक्वीवोकल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंफ्यूजिंग ऑल्सो बहुत से बच्चों को लगता है कि ये कोई नेगेटिव वर्ड होगा अन इक्वी बट एक्चुअल में अनईक्वी वोकल का मतलब होता है ये क्लैरिटी क्लियरिटी के सेंस में जाता है अन इक्वी एकदम क्लियर ठीक है निष्पक्ष एक्सप्रेसिव इजी वन एक्सप्लिस इंपोर्टेंट वन एक्सप्लीसिट का मतलब भी होता है क्लियर और डिस्क्रीट डिस्क्रीट का का मतलब भी okay? का मतलब भी भी होता होता है है क्लियर क्लियर ओके वैसे तो ये सारे इंपोर्टेंट है बट स्टिल मैं कुछ इनको मार्क कर देता हूं एक बार फिर से रिपीट करवा देता हूं हम पल्यूसिट का मीनिंग पढ़ रहे हैं ल्यूस वर्ड का रूट वर्ड में मतलब होता है क्लियर राइट right? फिर आ गया इसका ल्यूसिट एलोक्वेंट

Uh, यहां पे है नहीं इम्प्लीसिट हा है इम्प्लीसिट इसका एंटोनियम होता है अगर आपको वर्ड दे दे कोई एक्सप्लीसिट तो इसका जो एंटोनिम दैट वुड बी इम्प्लीसिट फिर हमारा देखिए वेग वेग का मतलब होता है धुंधला अनक्लियर वेरी इजी इंप्लीसिट मैंने आपको बता दिया नेबुलस नेबुलस का मतलब नॉट क्लियर वही सेम एफूज ठीक है ऐसे याद कर लो कि एब्स किसी के क्लियर नहीं है एब्स आर एब्सक्यूज मतलब अभी एब्स जो है दैट आर 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 एब्स clear, एब्स नॉट क्लियर का मतलब होता है धुंधला टाइप का मतलब होता है घुमावदार तो इसका मतलब कोई चीज घुमावदार है इट मीनस दैट इज नॉट क्लियर रिकंडाइट ठीक है रिकंडाइट का भी मतलब होता है नॉट क्लियर मतलब तो मतलब मतलब की सेंस में इनकॉम्प्रीहेंसिबल ये इसका अपोजिट हो जाएगा comprehensible जिसको आप समझ सकते हो इनकॉम्प्रिहेंसिबल जिसको आप समझ नहीं सकते ambiguous ठीक है जिसके बारे में कुछ पता नहीं है ambiguous, जैसे ambiguous मतलब जिसके बारे में कुछ पता नहीं है ठीक है फिर उसका उल्टा हो जाएगा कौन जिसके बारे में पता है ठीक है equivocal का उल्टा हो जाएगा अन equivocal वही सेम चीज जिसका पता नहीं है या जो अब कैसे आप इसका कोई निमोनिक बना सकते हो कोई इक्वल की सेंस में है ना कुछ भी आपको लगता है बट याद रखिएगा इक्वीवोकल एक, एक नेगेटिव वर्ड है और अन एक, एक पॉजिटिव वर्ड है आपको लग रहा होगा कि सर ये नेगेटिव और पॉजिटिव आइडेंटिफाई करने से क्या होगा बहुत कुछ हो सकता है अगर सिनोनिम आपको दे दिया कोई वर्ड और वो वर्ड आपका नेगेटिव है तो डेफिनेटली उसका जो आंसर होगा सिनोनिम की फॉर्म में तो वो भी नेगेटिव होगा अगर कोई वर्ड आपका ऐसा है जो नेगेटिव है और आपको उसका इंटोनिम ढूंढना है तो इसका मतलब आपको पॉजिटिव वर्ड ढूंढना पड़ेगा ये सब चीजें आपको एलिमिनेशन में बहुत हेल्प करेंगी ओके okay? तो जो मैं हर चीज बता रहा हूं प्लीज उसको अच्छे से समझने का ट्राई करिएगा ओके okay? जिसमें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि यहां पे बच्चे मिस्टेक करते हैं वहां पे थोड़े कान खड़े करके अच्छे से उसको सुनिएगा कि हाँ कि आपको वहां पे मिस्टेक नहीं करनी है ओके okay? तो दिस इज ऑल अबाउट हमारा ये आज का जो फर्स्ट रूट वर्ड था दैट इज ल्यूस पैल्यूसिड ल्यूसिड ठीक है एक अच्छा वर्ड था लिंपिड भी इसमें एक ऐड करो लिंपिट है ना एल्यूसिडेट ओके okay? तो इसका मतलब था क्लियर ब्राइट लाइट है ना नेक्स्ट वर्ड देखिए फिर नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है नोव या फिर न्यू ठीक है जैसे नोविस आ गया अब इसको लिखता हूं इसके लिए न्यू आ गया है ना नोविस हो गया या न्यूफाइट हो गया अब देखिए जरा

अप्रेंटिस ओके नोवेल नोवेल एक ये वाला नोवेल एक नोबेल प्राइज होता है ठीक है बट एक ये वाला नोवेल है इसका मतलब होता है नया इन दोनों में फर्क है स्पेलिंग में भी वैसे भी ठीक है नोवेल का मतलब नया नोवेलिटी ये एडजेक्टिव है ये नाउन है तो नोवेल का मतलब नया और इसका मतलब नयापन न्यूनेस ओके okay? इसका मतलब हो गया नयापन राइट right? सेम फिर आगे नियोफाइट आया हमारा दैट इज ऑल्सो नाउन और नियोफाइट का भी मतलब होता है नया अभी नया नया मार्केट में है भाई न्यू कमर ओके वॉट इट नेक्स्ट वर्ड इज नियोनेटल दिस इज नेटलो एडजेक्टिव नियोनेटल एंड रिलेटेड टू न्यूली बोर्न बेबीज जो बिल्कुल नए नए अभी बच्चे जो पैदा होते हैं उनको बोलते हैं नियोनेटल नेटल ओके तो ये वर्ड कुछ ऐसा कुछ ऐसा कॉम्पिनेशन में मान लो आ गया आपको और उसने डायरेक्ट वर्ड ना दे के बोल दिया कि इसका जैसे न्यू बोर्न ठीक है उसके लिए एक वर्ड दे दिया न्यू बोर्न बेबीज ठीक है ना आपने देखा ना कॉम्प्रिशन में कैसे वन वर्ड पूछ लिया कैसे सिनोनिम पूछ लिया आपसे घुमा के तो न्यू बोर्न बेबीज मान लो सेंटेंस में आगे उसने बोल दिया कि इसके लिए भाई एक वर्ड दो और उसमें एक न्यू नेटल है तो आपने अगर उस चीज को पढ़ा ही नहीं है तो आप कहाँ से उस चीज़ के बारे में बता सकते हो भाई दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट थिंग ना ओके okay? इसीलिए वो का का पता होना चाहिए आपको ओनली देन यू विल बी एबल टू गिव आंसर इफ यू आर हैविंग नोट नो आइडिया एट ऑल डेफिनेटली आपको क्वेश्चन स्किप करना पड़ेगा एंड अगर आप उसमें अप्रोच करोगे तो देर आर वेरी लेस चांसेस दैट यू विल बी एबल टू मार्क राइट क्लियर ओके न्यू नेटल का मतलब हो गया रिलेटेड टू न्यू बोर्न बेबीज द नेक्स्ट वर्ड इज इनोवेशन अब इसमें भी देखो एक नोव एन ओ वी वर्ड आ रहा है ना इनोवेशन में इनोवेशन ओके नोव नोव अब nov का मतलब होता है नया इनोवेशन का मतलब वैसे आपको पता ही है इनोवेशन का मतलब होता है टू मेक या फिर क्रिएट समथिंग न्यू राइट टू मेक और क्रिएट समथिंग न्यू एंड द नेक्स्ट वर्ड इज रेनोवेशन रेनोवेशन भी आप घर पे करते हो घर पे घर को एकदम चमकाते हो दिवाली के टाइम पे अगर कोई पूछे तो वट आई डूइंग दिवाली के टाइम पे मोस्ट ऑफ द पीपल आर डूइंग लाइक ठीक है वी आर रेनोवेटिंग आर होम ठीक है वी आर रेनोवेटिंग आर प्लेस वी आर रेनोवेटिंग आर ऑफिस तो रेनोवेशन एन ओ वी रूटवर्ड और इसका मतलब होता है न्यू उसको नया करना राइट रेनो रेनोवेट रीस्ट्रक्चर है ना रीस्ट्रक्चर जैसा कुछ टू गिव न्यू लुक टू समथिंग दैट इज कॉल्ड रेनोवेट द नेक्स्ट वर्ड देखिए ओके अब नोविस के कुछ हम सिनोनिम्स करेंगे ठीक है कुछ नोविस के सिनोनिम्स से फोकस करते हैं ठीक है ये वो वाले सिनोनिम्स हैं विच आर इंपोर्टेंट वन ओके फर्स्ट वर्ड देखिए इमेच्योर फर्स्ट वर्ड इज इमेच्योर अब नया है कोई इंसान तो ऑब्वियसली इमेच्योर होगा वो है ना बिगिनर है कोई इन एक्सपर्ट है ये तो इजी वन है अमेट्योर लोग इसको अमेच्योर पढ़ते हैं अमेच्योर नहीं है अमेट्योर है और एक होता है इमेच्योर वैसे दोनों का मतलब होता है सेम बट प्रोनाउन इज वेरी डिफरेंट ये अमेट्योर पढ़ेंगे इसको इसको इमेच्योर पढ़ेंगे टायरो अभी नया नया टायर लिया है भैया ठीक है अभी नया नया टायर लिया है ठीक है नया नया ऐसे ही समझ लो टायरो मतलब नया नया अभी अभी नया नया टायर लिया ठीक है रूकी एक अभी कच्चा है अभी रूकी ठीक है कच्चा है अभी पका नहीं है नियोफाइट नया क्रूड अभी कच्चा है भाई पकने में टाइम है अभी नया है मार्केट में ग्रीन होन भी इसके, हाँ ये लिखा है ग्रीन होन क्रूड, क्रूड कच्चा है भाई अभी ग्रीन होन। आम कच्चे अभी है ना कच्चा आम मतलब कच्चा अभी पका नहीं है अभी टाइम लगेगा उसको ठीक है तो ग्रीन होन हो गया क्रूड हो गया इन इनजेनुअस इसको मैं बाद में थोड़ा सा क्लियर करूंगा इन जेनुअस और एक इंजीनियस होता है राइट इसमें हाँ है ये रहा इसका भी डिफरेंस बताऊंगा आपको ओके इनजेनुअस और इंजीनियस अनस्किलफुल अभी स्किल डेवलप कर रहा है अभी क्या है वो अप्रेंटिस अप्रेंटिस वर्ड है इसमें एब्सोल्युटली। अप्रेंटिस वर्ड, राइट? नियोफाइट हो गया क्रूड हो गया इनजेनुअस हो गया ओके okay? अनस्किलफुल या फिर अप्रेंटिस अभी सीख रहा है, नेव। अब नेव का मतलब होता है भोला भाला नेव का मतलब होता है गाय की तरह कॉलाइक काफी अच्छा वर्ड है वोवाइन b डब्ल्यू आई एन ई e बोवाइन, ओके okay? है बोवाइन, ओके okay? नेव का मतलब होता है एकदम गाय की तरह सीधा भोला भाला ठीक है ओके फिर आता है हमारा इनकॉम्पिटेंट कॉम्पिटेंट का मतलब जो योग्य होता है कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है जो योग्य होता है जो फाइट कर सकता है इनकंपिटेंट अयोग्य फिर आता है मेलैड्रोइड ठीक है मेल का वैसे रूट वर्ड में मतलब होता है नेगेटिव होता है वैसे मेल का मतलब अभी है ना अभी पक्का नहीं है जैसा मेलैड्रोइड एंड्रॉइड का मतलब होता है स्किल एंड्रॉइड का मतलब होता है स्किल तो मेल एंड्रॉइड मेल का मतलब होता है अभी वो चीज डेवलप नहीं हुई अभी है ना मेलेड्रोइट ठीक है ओके okay. अप्रेंटिस हो गया ग्रीन होन हो गया प्रोजेलाइट प्रोजेलाइट का मतलब अभी प्रो बनने में टाइम है ऐसे याद कर लो कि प्रोजेलाइट अभी प्रो बनने में टाइम है भैया अभी नया नया है मार्केट में अभी ग्रीन होन है अभी क्रूड है अभी इनकॉम्पिटेंट है अभी मेलेड्रोइट है ओके okay? अभी डैबलर है ठीक है ना ओके okay? अभी डैबलर अभी पका नहीं है वो राइट तो कैसे भी करके इनको याद करना है और एक ही तरीका इनको याद करने का मल्टीपल टाइम रिवीजन अदरवाइज ये लेक्चर देखने का कोई फायदा नहीं है इफ यू आर नॉट हैविंग दैट माइंडसेट सेट कि हां एटलीस्ट इनको हमें तीन चार बार पढ़ना पड़ेगा अच्छे से चाहे वीडियो देख लो चाहे टू एक्स पे करके वन पॉइंट फाइव पे करके वन पॉइंट सेवन फाइव जैसे अच्छा लगता है बट इनको मल्टीपल टाइम एटलीस्ट देखो सो so दैट ये वर्ड्स आपके दिमाग में फिट बैठ जाए ठीक है ना इनको याद करने के पीछे मत भागना मल्टीपल टाइम दो चार बार देखो इस वीडियो इन वीडियो को डेफिनेटली वो चीज़ें आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी आपको भी पता नहीं चलेगा जब क्वेश्चंस करोगे तो अपने आप आंसर आपके सामने आते जाएंगे ओके एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ नोविस का मतलब होता है नया नोव एन ओ वी ठीक है बिगिनर इन एक्सपर्ट ठीक है मेलेड्रोइ अमेट्योर टायर भी टायर नए नए लिए हैं क्रूड हो गया रुकी अभी कच्चा है भैया

द फर्स्ट वन इज एक्सपर्ट वेरी सिंपल एडेप्ट एडेप्ट का मतलब होता है एकदम स्किलफुल ठीक है डेफ्ट डेफ्ट का मतलब होता है एकदम कलाकार कलाकार इंसान डेफ्ट एप्ट एक होता है ये वाला एप्ट एक होता है ये वाला एप्ट इस वाला एप्ट का मतलब होता है परटिनेंट अब आप बोलोगे सर परटिनेंट का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है रेलेवेंट इस वाले apt का मतलब तो मैंने आपको बता दिया डेफ्ट ठीक है एकदम एक्सपर्ट मतलब हो जाएगा expert. Okay? तो इन दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कॉम्प्रीहेंशन में छोटी छोटी चीजें फंसा सकते हैं आपको कोई भी एग्जामिनर ठीक है ना ओके एक्सपर्ट हो गया अडेप्ट हो गया डेफ्ट एप्ट एप्ट का मतलब हो गया एकदम कलाकार एकदम परफेक्ट

आर वेरी सेवेंट इन दर्क वो अपने काम में काफी ज्यादा निपुण होते हैं काफी ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं ठीक है तो सर्वेंट आर वेरी सेवेंट एड्रॉइड एड्रॉयड का मैंने आपको बता दिया स्किलफुल क्योंकि मेलेट्रोइ इसका ओपोजिट होगा प्रोफिशियंट वेटरन वेटरन मतलब एकदम फेमस विख्यात तो फेमस कोई तभी होगा जब वो एक्सपर्ट होगा अपने काम में वर्सेटाइल भी कोई इंसान तभी होगा जब वो एक्सपर्ट होगा इंजीनियस प्रोलिफिक प्रोलिफिक मतलब वो प्रो बन चुका है प्रोज़लाइट मतलब प्रो बनने में टाइम है अभी लेट है ऐसे कर लो प्रोज़लाइट लाइट लाइट को याद कर लो लेट प्रो बनने में टाइम है अभी लेट है भैया और प्रोलिफिक का मतलब वो प्रो बन चुका है ठीक है प्रोलिफिक का मतलब प्रो बन चुका है राइट इसको मैं इरेज कर रहा हूं अब इसको समझिएगा एक होता है इनजेनियस एक होता है हमारा इंजीनियस ओके okay, तो इन चैन का मतलब होता है नेव या फिर भोला भाला या फिर इन एक्सपर्ट मान लो या फिर भोला भाला इसका वैसे मीनिंग होता है ठीक है इसका मतलब होता है जीनियस अब इस वर्ड में आ रहा है जीनियस तो इसको ऐसे याद कर लो कि एक्सपर्ट है भैया क्योंकि इसके वर्ड में आ रहे जीनियस ठीक है ये जीनियस है भैया ओके okay. तो ऐसे ही थोड़ा सा डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट आप करोगे तो चीजें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी एग्जाम में आपको टैकल करने के लिए क्योंकि थोड़े से कंफ्यूजिंग वर्ड जब एग्जाम में दो ऑप्शन सेम दिखेंगे ना तो दिमाग घूमना स्टार्ट कर देता है दिमाग में पता नहीं चलता करना क्या अभी तो आपको लगेगा सर इतना एंफरसाइज क्यों कर रहे हो आप बट ट्रस्ट मी वंस यू आर इन दैट सिचुएशन वेयर यू आर गिविंग एक्चुअल एग्जाम दैट प्रेशर वो आपका दिमाग ऐसे घुमाएगा कि आप छोटी छोटी चीजें में कंफ्यूज हो जाएंगे आंसर मार्क करने के लिए यू विल हैव टू गेन दैट कॉन्फिडेंस कि यही आंसर है इफ यू आर हैविंग नोट इफ यू आर नॉट हैविंग दैट कॉन्फिडेंस तो आप डेफिनेटली वो क्वेश्चन गलत करके आएंगे किस्मत पे नहीं चल सकते ना इतना कंपटीशन ज्यादा है ओके इनजेनुअस इंजीनियर्स चले फिर प्रोफिशिएंट वेटरन वर्सेटाइल इंजीनियर्स प्रोलिफिक प्रोलिफिक मतलब प्रो बन चुका है प्रोजेलाइट प्रो बनने में लेट है प्रोजेलाइट ओके okay? नेक्स्ट हमारे देखिए फिर रूट वर्ड क्या है बेल नाउ बेल का मतलब क्या है बेल अब बेल का जो मतलब होता है इसका मतलब होता है रूट वर्ड में वोर वोर या फाइट बेल ये घंटी वाली मतलब ऐसे समझ लो खतरे की घंटी बज गई भाई अब खतरे की घंटी बज चुकी है बेल तो ये वर्ड आया कहाँ से एक्चुअल में ये वर्ड आता है बेलोना ये एक रोमन गोडेस है जो कि वॉर की, की गोडेस है जैसे हमारे यहाँ पे दुर्गा माता को हम ल, द, है ना वॉर की देवी मानते हैं वैसे ही बेलोना एक रोमन गोडेस है ठीक है जो कि वॉर की, की गोडेस है और वहीं से हमारा ये वर्ड आया है बेल बैल। अब मतलब ये हुआ कि वर्ड जहां भी लग जाएगा किसी भी वर्ड के साथ में तो उसका सेंस लड़ाई झगड़ा की सेंस में ही जाएगा ठीक है वो या फाइट की सेंस में जाएगा बेलिकोस ठीक है बेलिकोस मतलब क्वारलम

में भी तो जहां भी मैं आपको बता रहा हूं जहां पर भी words, लग जाएंगे word, के वो वैसा ही मीनिंग देंगे रेटिंग टू टाइम बिफोर वॉर वॉर से पहले का समय अब हो सकता है ये आपको एग्जाम में ऐसे आ जाए कि कुछ ऐसा पैराग्राफ है, है जिसमें कि कुछ ऐसा आपको सेंस आ गया एग्जामिनर ने पूछ लिया टाइम रिलेटेड टू या टाइम बिफोर वॉर ठीक है टाइम बिफोर वॉर पहले तो क्या उसके लिए आप वर्ड लिखोगे एंटेलम आपको पता होगा तभी लिख पाओगे फिर आता है पोस्ट बैलम मतलब कि लड़ाई के बाद का समय आफ्टर वॉर फिर आता है बैली पोटेंट मतलब बैली अब यहाँ पे दो रूट वर्ड आ गए एक तो आ गया बैली एक आ गया पोटेंट पोटेंट का मतलब होता है सबसे ज्यादा पावरफुल ठीक है जैसे ओमनी सब में पावरफुल ओमनीपोर्टेंट ओके ओमनीपोर्टेंट मतलब सब में पावरफुल जो है जैसे ओमनी ठीक है सबसे ज्यादा पावरफुल सब में पावरफुल ठीक है ओमनीशियट सबको जानता है जो भगवान ओमनी सर्वत्र या ओमनी प्रेजेंट ओमनी का मतलब रूटवर्ड में होता है ऑल ओमनी का रूटवर्ड में मतलब होता है ऑल पोर्टेंट का मतलब होता है पावरफुल ऑल पावरफुल तो बैली पोटेंट मतलब वॉर और एकदम पावरफुल तो मतलब जो पावरफुल इन वॉर होगा उसको बोलते हैं ओमनी या सॉरी जो वॉर में पावरफुल होगा उसको बोलेंगे बेली पोटेंट ठीक है ना बात समझ आई नेक्स्ट देखिए फिर अब बेलीजरेंट या फिर बेलीकोस के कुछ सिनोनिम्स भी देख लेते हैं, लगे हाथ सिनोनिम्स देखिए बेलीजरेंट के कोरलसम मतलब लड़ाई झगड़ा वाला क्वारलस इजी वन कैन टैंकरस टैंकर कब उतारते हम जब लड़ाई होती है कैन टैंकरस कैन टैंकरस कैन टैंकरस ठीक है ना इजी वन पीविश दारू पी के कोई कैसा हो जाता है लड़ाई झगड़ा करता है सबसे पीविश तो दारू पी के पी के पीविश मतलब लड़ाई झगड़ा पेट्यूलेंट कोई खाता रहता है उसको खाना ना दे तो क्या करेगा वो लड़ाई झगड़ा करेगा पेट्यूलेंट है ना पेटू जो होते हैं वो हमेशा लड़ाई के मूड में रहते हैं जब उनको खाने से रोको तो पेटुलेंट क्रैबी जब हमारे क्रैम्स आते हैं ठीक है ओके ऐसे याद करो ना कुछ भी आपको निमोनिक बनाना है अल्टीमेटली आपको याद करना है उस चीज को और ये चीज याद रखिए आपको अल्टीमेटली मेरे पढ़ाते पढ़ाते ये चीजें आपके दिमाग में फिट हो गई हैं चाहे क्वेश्चन लगा के देखो फिर इसके बाद क्रैबी जब क्रैम्स आते हैं तो क्रैबी फील होता है ठीक है या क्रैब्स आते हैं ऐसे कर लो क्रैब्स आते हैं जब पगनेशियस ठीक है पगनेशियस को ऐसे याद कर लो पबजी खेल खेल के इंसान थोड़ा सा पगनेशियस फील करता है थोड़ा इरिटेबल फील करता है थोड़ा लड़ाई है ना कि और घर वाले की काम के लिए बोल देंगे तो वो लड़ने को आ जाएगा बच्चा है ना तो पग्नेशियस मतलब पबजी खेल खेल के पग्नेशियस हो गया भैया ट्रुकुलेंट अब ट्रुकू को ट्रक से याद कर लो कि जो ट्रक ड्राइवर्स हैं वो थोड़े से चिड़चिड़े हो जाते हैं ड्राइव कर, कर करके है ना बहुत हार्ड ये डिफिकल्ट जॉब है ट्रक ट्रुकुलेंट तो ट्रुकुलेंट मतलब ट्रक ड्राइवर्स दे आर ऑलवेज इन इन दिस मूड ट्रुकेंट है ना फिर आता है कंटेंशियस कंटेंशियस का तो मतलब भी होता है कि लड़ाई झगड़ा विद्रोह टाइप है ना डिसकोड करना मतलब असहमत डिस्कोड मतलब मानना ना किसी चीज को तो अगर आप किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे इसका मतलब आप रेवेल कर रहे हो है ना डिसएग्रीमेंट इन इनरेसिबल का मतलब होता है कि लड़ाई झगड़ा दिमाग जब एकदम है ना पटक जाता है पूरा कॉलरिक तो ऐसे याद करो जब किसी को कॉलरा हो जाता है तो बीमारी में तो इंसान वैसे ही थोड़ा सा चिड़चिड़ा थोड़ा सा झगड़ालू इरिटेबल है ना फिर आता इसके लिए कोई निमोनिक बना लो वोस्पिश। ठीक है ऐसे याद कर लो जब बच्च, कुत्ते को नहात नहलाते हैं वैसे तो वो तो मैं ऐसे याद करवा रहा हूँ जो कुत्ते होते हैं उनको पानी से बड़ी ज्यादा एलर्जी होती है तो जब उन, उनको आप नहलाते हो तो खाने को आते हैं ना बड़ी लड़ाई एकदम अग्रेसिव हो जाते हैं राइट तो वो मतलब जब आप किसी कुत्ते को नहलाओगे तो स्पिश मतलब एकदम इरिटेबल हो, जा, एक हो जाएगा एकदम हो जाएगा कैप्शियस कैप्शियस को कैसे याद कर सकते हो कोई कैप्टन अगर मैच हारता है तो वो कैप्शियस फील करता है वो इरिटेबल फील करता है वो एग्रेसिव फील करता है ना एंटागनिस्टिक एंटागनिस्टिक का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा विद्रोह एंटागनिस्टिक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ये जिनको भी कर रहा हूं मैं सर्कल एंटागनिस्टिक ओके लड़ाई झगड़ा सरली सरली का मतलब ऐसे होता है कि सर पकड़ के बैठ गए अब तो भैया अब बहुत मुश्किल हो गया सरली ठीक है ना बात समझ आई इनको आप बार बार जब पढ़ेंगे तो ये चीज़ें अपने आप आपको दिमाग में फिट बैठ जाएंगी कोई आप इनके लिए कोई आपको बड़ा हार्ड कोर कोई रूल नहीं है द ओनली रूल दैट देयर इज टू लर्न द वकेब दैट इज मेमोराइज उसके लिए रिविजन ओके रिविजन ऑफ दोज वर्ड्स फॉर मल्टीपल टाइम्स दैट इज द ओनली वे टू लर्न वकेबरी देर इज नो शॉर्टकट कोई मार्केट में इंजेक्शन नहीं है कोई मार्केट में टेबलेट नहीं है जो कि आपको वकेबलरी याद करवा सके चलिए एंटोनिम्स देखिए फिर कुछ एग्रीमेंट जैसे हमने डिसएग्रीमेंट देखा हारमोनियस इसका मतलब होता है एकदम पीसफुल हारमोनियस इट मींस पीसफुल फ्रेंडली एकदम खुशनुमा पोलाइट करोशेबल सोशबल है ना मतलब वही जो मिलनसार है मतलब मिलनसार वही इंसान होगा जो तो थोड़ा सा खुश रहता है कोई इंसान लड़ता झगड़ता रहेगा तो कैसे मिलनसार होगा जेंटल या फिर पीसफुल तो एंटोनिम्स वॉज एंटोनिम्स वर इजी तो सिनोनिम्स जो भी हैं इनमें वो आप अच्छे से पढ़ोगे एक बार फिर से रिपीट करवा देता हूँ थोड़ा सा एक लास्ट फाइनल रिवीजन कि बेली बेली का मतलब होता है वॉर या फाइट और ये वर्ड जहां भी लग जाएगा वॉर या फिर फाइट की सेंस में जाएगा तो बेलीज या फिर बेलिकोज दोनों का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा कॉरलस कैन टैंकर कब उतारेंगे लड़ाई में बेलिकोज ये मैंने बता दिया फिर आता है पीविश दारूपी के कोई कैसा फील करेगा पीविश फिर हमारा नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन वॉज कैप्शियस कैप्टन जब मैच हारता है तो कैप्शियस फील करता है वो स्पिश जब कुत्ते को नहलाते हैं तो वो अग्रेसिव हो जाता वो है वो वो स्पिश हो जाता है सरली सर को पकड़ के बैठ गए है ना टेंशन हो जाती है तो एग्रेसिव फील है, करते हैं इरीटेशन फील करते हैं ओके फिर हमारा क्या आ जाता है डिसकोड डिसग्रीमेंट फिर आ जाता है हमारा ट्रुकुलेंट ट्रक ड्राइवर ऑल द टाइम है ना ट्रक चला के ट्रुकुलेंट फील करते हैं पेटुलेंट जो पेटू लोग होते हैं उनको खाने से लोगों को तो पेटूलेंट फील करते हैं इरिटेबल फील करते हैं एग्रेसिव फील करते हैं लड़ाई झगड़ा फील करते हैं, ना। जब आते हैं पगनेशियस पबजी खेल, खेल के पगनेशियस इन इसिबल मतलब सेम ही होता है इर्क ओके इलरिका में इंसान थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाता है बाकी एंटागनिस्टिक मैंने बता दिया एंटागनिस्टिक तो इंपॉर्टेंट है ऑल टाइम फेवरेट एग्जामिनर्स का ओके और कौन सा बचा यही है सारे सारे इनको पढ़ लेना अच्छे से एंड डेफिनेटली ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी ओके सो लास्ट में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ इसके रिलेटेड जो भी हमारा ये अभ्यास टू जो कि लॉन्च हो चुका है ठीक है इसको आप फुल कोर्स आप यू कैन गो फॉर द सेम 75 डेज का ये कोर्स रहेगा जिसमें कि आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे ऑल द टेस्ट सीरीज एस्पेसली जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको मेंटोरशिप मिलेगी राइट सी सेट की क्लासेज मिलेंगी आपको पी डी एफ के फॉर्म में नोट्स मिलेंगे ओके टेस्ट सीरीज मिलेंगी इज वेरी एंड ये भी आपको मिलेगी इसमें ऑल दीज इंक्लूडेड जो भी इसमें इंटरेस्टेड है यू कैन गो फॉर द सेम ठीक है ट्वेंटी फोर बाई सेवन अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करते हो ट्वेंटी फोर बाय सेवन यहाँ पे आपको लाइब्रेरी भी मिलेगी ओके okay? तो चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय Thank you very much for uh, joining the session till the time. And I hope these sessions will bring some change inside you, some change in you. And I hope that you are learning from these sessions and you are gaining that confidence for your exam also. So, till the next session, till then take care. Bye bye. Jai Hind. Jai Bharat.